ऐसे फीस पे से पाना चाहिए बस। सी एक बार दे। हाँ बस सही, बहुत सही। थोड़ा उस तरफ हो सकती है, यहाँ पर नीचे। आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। कौन सा तेल है, स्मेल आ रही है? बोस का है, बादशाह मतलब जो वो हाथ पाव दुखते हैं ना, जॉइंट वगैरह दुखते हैं उनके लिए। यहाँ की जगह पे ऐसा ऐसा राउंड राउंड करना होता है, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा। नाक में अपन ऑयल डालते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनका क्या ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, तो वो जो अपन ऑयल डालते हैं नाक में, वो सीधा ब्रेन में जाता है। और वो ब्रेन में जाके वो जो जो पार्ट एक्टिव नहीं रहता है ना ब्रेन का, वो एक्टिव कर देगा ब्रेन को। लेकिन वो नाक में तेल डालने से पहले उसको ऑयलिंग करनी पड़ती है, ताकि बॉडी के जो पार्ट्स हैं एक्टिव हो जाए फेस वाले। हाँ, ताकि जो जो चिपक गए हैं, जो जो सेल्स वगैरह, ये हो जाए। एक दो मिनट तक ये करना होता है, उसको स्नेहन बोलते हैं अपन पहले। क्या बोलते हैं? स्नेहन, स्नेहन मतलब स्नेह होता है ना घी टाइप का, तो तेल से अपन पहले इनका स्नेहन कर रहे हैं। हाँ, गर्म हॉट वाटर बैग से, उसके बाद इनका स्वेदन करेंगे, फिर नाक में ऑयल डालेंगे अपन। बारीक कपड़ा, हाँ ये दे दो। ऐसे ही बारीक कपड़ा फेस पे रख के फिर इसे स्वेदन करना, सीधे नहीं करते हॉट वाटर बैग से स्वेदन। अच्छा अच्छा, क्योंकि नहीं तो आंखों पे वो होती है, असर पड़ जाता है। ये इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर पानी है ना, जैसे अपन सिकाई करते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो इससे सिकाई थोड़ी फेस की करनी। आंखों के ऊपर नहीं रखना, एक तरफ इस गाल पे रखना है, फिर एक बार इस तरफ गाल पे रखना है, फिर एक तरफ सिर पे रखना है पेशेंट को। अच्छा, ऐसे बारीक कपड़ा ढक के फिर उसको ऐसा करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए ऐसे, पता है, पैरालिसिस वाला। एक दो मिनट तक इसके से सिकाई कर ये तो ब्रेन में लगी है चोट जो। हाँ, हेलमेट पहना था, गिरा था। हाँ अंकल, बताया था आपने। हाँ तो वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। इसमें क्या, बहुत सारी चीज़ों में सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। अगर हल्का सा होता है ना, तो ऐसे ही बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हो तो सर्जरी करा के फिर ये प्रोसेस करो, उससे जो आगे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले होते हैं ना, वो नहीं आएंगे फिर। हाँ हाँ भाई, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, बता ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वो भैया ले गए जो यहाँ बैठे थे ना अभी। ये वाला से प्रेस अंदर खड़े हुए हैं, थोड़ा से ऐसे करके तो खड़ा करके तकिया यहाँ लगाते हैं इस तरह से। ये एंगल इनका ऐसा बनना चाहिए कि अंदर 90 डिग्री होता है। कितनी बूंद है? 6। अंकल के फेस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है चलेगा। अब ऐसा फिर एक तरफ का नॉस्ट्रल बंद करके दूसरी तरफ चेयर ड्रॉप, छे ड्रॉप करके थोड़ा सा हिला दी इस तरफ को बंद करके। अच्छा, नाक में डालते हो तो ये पूरा इधर जाता होगा ना? हाँ, ये सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। यहाँ से सीधे ब्रेन में एक प्लेट के द्वारा जुड़ा है नाक और ब्रेन। तो अपन ऐसे कोई मेडिसिन खाते तो स्टोमक तक जाती है, लेकिन यहाँ जो खाते हैं वो सीधी ब्रेन तक जाती है। ये मेडिकेटेड है, ये सब जो ड्रॉप डाले ना, मेडिकेटेड, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही होती है। तो इनकी ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए इसलिए उनका छीर वाला तेल से अपन ने कर दिया। बस अब ऐसा करके थोड़ा सा ताकि अंदर सांस अंदर खींचिए, सांस खींचे अंदर है, ये हो गया। बस ये हो गया, बिल्कुल सिर्फ गर्म पानी यूज करना है एक दो दिन, कुछ घंटों तक के लिए बस बंद कर दो।